हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। वेलकम बैक टू ऑन माय न्यू व्लॉग वीडियो। दिस इज करण सिद्ध। एंड आज हमारे ड्यूक को लाए हुए, तकरीबन 11 को लाए थे, 12 13 14 15 हो गए, 4-5 दिन हो गए, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट टाइम हम से डोंगरगढ़ के मार्केट में बाइक लेके जाएंगे हमारे ड्यूक 200। एंड देखते हैं क्या होता है। एंड मार्केट के अंदर वॉश भी करवाना है उसको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है। मैंने ऑफ रोडिंग भी की तो वो गंदी हो रखी है, इसलिए मैं उसको पहले वॉश करवाऊंगा एंड देन मार्केट के अंदर लेके जाऊंगा। मार्केट में थोड़ी घूम के आता हूँ, फिर देखते हैं। गाइस अभी निकलते हैं, लेट्स गो। एंड है ना, मैं क्या बता रहा था कि पहले गाड़ी को वॉश करवाएंगे, ठीक है, देन उसके बाद मार्केट में जाएंगे। पहले यहाँ से निकलते हैं, मैं वॉश करवाऊंगा गाड़ी को एंड उसके बाद में हम भैया गाड़ी धुलवा रहा हूँ अभी यहाँ पे भैया के पास में। इन्होंने बोला मैं वॉश कर दूँ और यहाँ पे वॉशिंग करवाने खड़ी करते, क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी थी, चेन वगैरह रेडर भी। वर्किंग कंप्लीट हो जाती है फिर इसको रखेंगे बाहर ही, अंदर है ना लेके नहीं जा सकता इसको। तो गाइस फाइनली हमारी ड्यूक आ चुकी है डोंगरगढ़ के मार्केट में। फर्स्ट टाइम हम हमारी ड्यूक पर राइड कर रहे हैं मार्केट में। भाई मार्केट का है ना रिएक्शन देखने अलग गया भाई, क्योंकि हमारे पास ड्यूक है ना जो, वो यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है नहीं। और मैं पहली बार भाई डोंगरगढ़ मार्केट में, 5 दिन हो गए मेरे को बाइक लिए हुए एंड मैं फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर लेके आया हूँ बाइक को। देखते हैं क्या सीन है, देखते हैं आज क्या सीन है मार्केट का। भैया रॉन्ग साइड तो मत चलो, एटलीस्ट सही साइड लगा लो भाई। भाई कसम से भाई, गाड़ी है ना राइड करने का मज़ा इस पे आ रहा है भाई, कसम से क्या बताऊँ मैं। क्योंकि ये गाड़ी है ना, हाँ दिल से बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे पास है इसलिए बोल रहा हूँ भाई, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ है चलाने में ना, इतना मज़ा आ रहा है कि पूछो मत आप। क्योंकि ऑलराउंडर गाड़ी है भाई, एंड मैंने आज इसका वॉशिंग करवाई क्योंकि मैंने इसको है ना ऑफ रोडिंग के लिए लेके चला गया। ऑफ रोडिंग में यह बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, इसका चेन भी गंदा हो गया वगैरह वगैरह, सब गंदे हो गए। तो भाई मार्केट में दौड़ाते हैं इसको, देखते हैं। ये हमारा डूंगरी का मार्केट भाई, मार्केट हाय हमारा डूंगरी का। भाई अलग ही सीन है, अलग ही अलग ही अलग अलग, बहुत ज़्यादा अलग है भाई। मैं इसका है ना टॉप स्पीड का टेस्ट भी अगली में डालने वाला हूँ, क्योंकि इसमें है ना क्या है, एक वीडियो में मार्केट में चलता हूँ, हमारे मार्केट को देखता हूँ, लोगों को गाड़ी दिखा देता हूँ अपनी। एंड सेकंड जो वीडियो है वो हमारा आएगा, उसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे, रिव्यू देंगे इसका ड्यूक का फुल रिव्यू, क्योंकि अभी तो मैं इसको चेक ही कर रहा हूँ भाई। इसका जिस दिन पूरा टॉप एंड क्लियर हो जाएगा ना, मैं पूरा इसका रिव्यू चेक कराऊँगा मैं आपको, जब पूरी मैं इसको चेक कर लूँगा उसके बाद। मेरे को तो भाई यहाँ चलाने में देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, एक्सीलेंस में बहुत ज़्यादा। ना भाई भाई का सबसे बहुत मार्केट होता है, मछली लेके जाता मैं तो भाई। हमारे ड्यूक के वन डे हम टोटली ऑफ रोडिंग भी करेंगे, एक दिन ऑफ रोडिंग का भी वीडियो डालना है मेरे को, देखते हैं कब आता है इसका मौका भाई। बट राइडिंग करने में ना इस पर जो मज़ा आ रहा है ना, वो किसी को नहीं आएगा भाई, क्योंकि भाई मुझे इतना पता नहीं था कि गाड़ी भाई ये चीज़ है भाई। मैंने लोगों से बस सुना था, देख रखा था लोगों की वीडियोज़ में कि भाई ड्यूक ऐसी है ऐसी ऐसी है, बट आज है ना फाइनली मैं इसको चला के जो फील आ रहा है वो अलग ही है।
भाई यहाँ पे भाई बहुत ख़राब सड़क है यार, मेरे बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे को यहाँ पे नहीं डालनी थी, इसको यहाँ पे नहीं डालना था मेरे को भाई, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है सड़क। चलो हम किसी और रास्ते से चलते हैं। डूंगरगढ़ का मार्केट भाई इनसाइड, एंड एक फर्स्ट है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ, आज हमारी गाड़ी को मैं सोच रहा हूँ वॉशिंग तो होगी इसकी, एंड नाउ आई एम क्या करूँ मैं इसका, मुझे इस पर नाम लिखाना था अपना यूट्यूब चैनल का, देखता हूँ आज लिखाऊँ या किसी और दिन, जब मौका लगेगा ना तब लिखवा देंगे, बट नाउ फाइनली आई एम नॉट रेडी टू दिस, मैं इसके लिए अभी पूरी सोच रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं, ये चुनाव प्रचारण के लोग हैं भाई, चुनाव चुनाव के लिए लगे हुए हैं, लगे पड़े चुनाव के लिए। ले आए दो कसम से, ये चीज़ क्या भाई फील जो अंदर से दे रही है ना भाई, कसम से मैं इस फील के लिए मरा जा रहा था इतने दिनों से, कसम से यही चीज़ है भाई, मैं इस फील के लिए मर रहा था भाई इतने दिनों से, कसम से यही चीज़ है भाई, अपना ये क्या है कि बहुत ज़्यादा दे रही है भाई, ये मुझे डर था इस चीज़ का, और एन एस ओवरटेकर जैसे तीसरी गेयर ओवरटेक किया, तीसरे गियर में भाई, थर्ड गियर में उसने ओवरटेक कर दिया भाई, इतनी स्पीड है इसका, टॉप एंड है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसका पिकअप स्पॉट है ना वो भी बहुत डेंजर है भाई, रिएक्शन आ रहा है भाई लोगों का, ये देखना भाई वहाँ पे मैं वॉश करवा रहा था ठीक है, वहाँ पे लोग आपके बोल रहे हैं कितना 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 किया, आप देख रहे हो भाई कैसे बताऊँ मैं उन लोगों को, अभी मैं इसको इसके चेन है ना, चेन इसके चेन का है ना वो नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको है ना अपाची के शोरूम में जा रहा हूँ, तो भाई यार वापस से मेरे को आना पड़ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे है ना मेरे को है ना बाइक का चेन स्प्रे है ना वो चेन है ना काफ़ी ज़्यादा सूख गया, तो चेन स्प्रे लेने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ गया वापस, यहाँ से चेन स्प्रे लेना है फिर चेन को लगाना है, क्योंकि चेन है ना काफ़ी ज़्यादा सूख गया, तो उसकी वजह से ना नुकसान हो जाएगा इसका। यहाँ पे बताई थी गौतम ने दुकान है, वहाँ पे वो देख लेते हैं, यहाँ घूम के अनिल जी जैन की दुकान बताई थी, उसने कहा था वहाँ से आप है ना वो ले लेना, अनिल जैन कहाँ पर भाई, अनिल जैन की दुकान कहाँ से भाई, चैन ले लेना अपने को भाई, ले लिया ये रहा 160 रुपये का चैन स्प्रे, इसलिए ना नहीं रही काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया सूख गया उसमें, इसलिए लगाना पड़ेगा हमको, वहाँ पर जाके लगाएंगे शोरूम पर जाएंगे फिर लगाएंगे, चलते हैं